मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर शहर से सटे राव में कल रात शराबियों का मेला लगा रहा। दरअसल कल रात राव स्थित शराब दुकान पर शराब लेने वाली की भीड़ लगी रही। शराब दुकान के बाहर न सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और न ही लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दिए। शराब दुकान के संचालक ने यहां कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते यहां हजारों लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का जमकर मखौल उड़ाया। जानकारी मिलते ही राव थाने का बल और नगर परिषद राव का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखते ही शराबी मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को डंडे से हड़काया, तो वहीं नगर परिषद राव के अमले ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। शराब दुकान के बाहर लगी हजारों की भीड़ की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए। ये सब होने के बाद मामले पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने संज्ञान लिया है। फैसले और फैलते कोरोना संक्रमण के बीच जिस तरह से इस शराब दुकान में कोविड मापदंडों का उल्लंघन करते हुए भीड़ एकत्रित की गई, इस पर कलेक्टर ने आबकारी विभाग और संबंधित शराब दुकान के ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने इस इलाके के आबकारी उपनिरीक्षक आशीष जैन को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने दंड स्वरूप अगले 72 घंटे तक शराब दुकान बंद करने के बाद भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कठोर लहजे में कहा कि किसी भी स्तर पर कोविड मापदंडों के उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राव नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवा डेंगू का कहना है कि राव में जो भी भीड़ उमड़ी है वह ज्यादातर इंदौर की जनता है, क्योंकि इंदौर में संडे का लॉकडाउन लगने के चलते शहर की जनता यहां आकर शराब खरीद रही है। ऐसे में राव में भी संक्रमण बढ़ने की चिंता है, इसलिए उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से राव में भी संडे का लॉकडाउन लगाने की अपील की है। किस तरह की चालानी कार्रवाई की गई है? जो मास्क नहीं लगाता है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? अभी तो 4-5 के अगर भागी भग गए हैं। सर आप आए थे तो कितने लोग थे यहाँ पर? काफी भीड़ थी। अब क्या स्थिति है? बस प्रशासन साथ में था तो सब भग गए, अभी क्लियर हो गए। अब 4-5 बनाए सर। आपका नाम? बद्रीलाल मालवी, नगर परिषद रहा हूँ। यहाँ पर ये सूचना मिली थी कि इंदौर के कुछ व्यक्ति यहाँ शराब पीने के लिए ठेके पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखा तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो भीड़ को भगा दिया गया। कितने लोग हैं सर अभी यहाँ मौके पर? अभी तो मौके पर कम से कम मिनिमम 100-150 के समथिंग तो फिर भी हूँ। सर ये क्या किस तरह की कार्रवाई इनके चालान बना रहे हैं? इनके चालान जिनके मार्क्स नहीं उनके मार्क्स से चालान की कार्रवाई की जा रही है। सर ये कैसे आ गए, कुछ पता चला इतना इंदौर में लॉकडाउन जैसी स्थिति, उसके बाद यहाँ कैसे आएंगे? ये लोग तो सब मोटरसाइकिलों से बाहर बाईपास से भी आ सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, तो इनके ऊपर निर्भर है। सर दुकान संचालक को किसी तरह की कोई कार्रवाई करने का? अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे तो छूट है 11:30 बजे तक रहती है। सर ग्रामीण में क्या नियम है? निरीक्षक गौरी शंकर बारा सर। सर ग्रामीण में क्या नियम है मास्क नहीं अभी समय तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।